वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। दोनों चीजें हम लोग आपको बताते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है। देखिए, इसको हम कंपेयर करते हैं बिल्कुल आपके घर में बनाई जाने वाली ईंटों की दीवार से, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर करेंगे कैसे क्या होता है। देखिए, आपके घर में जो एक दीवार बनाई जाती है उसमें इस्तेमाल होता है ब्रिक्स का, मतलब ईंटों का। तो इस टॉपिक में आपको यूनिट सेल जो कंसीडर करना है वो आपकी ब्रिक हो गई, और दीवार जो बनाई जाती है ईंटों की मदद से उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस, है ना। तो दीवार और ईंट आपकी इस पूरे रिप्रेजेंट कर सकती है, इसको पूरे को क्लियर कर सकती है टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी डेफिनेशन से। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस लैटिस और यूनिट सेल में। बात करते हैं यूनिट सेल क्या होती है। देखिए, यह बताने वाला हूं आपको यूनिट सेल। देखिए, ये आपकी यूनिट सेल एक रिपीटिंग यूनिट होती है इस तरह से। ये देखिए, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल, ठीक है। और स्पेस लैटिस क्या होता है कि जब ऐसी रिपीटिंग यूनिट को बार बार एक के ऊपर रख के एक और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो जो थ्री डी स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग एक बार समझ लीजिए कि व्हाट इज द स्पेस लैटिस, कि इट इज द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट सेल। When unit cells are arranged over and over again in three-dimensional manner, so it is called space lattice. आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ space lattice क्या होता है। देखिए, ये देखिए, मैं आप लोगों को space lattice बना के समझा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कराएंगे, एक यूनिट सेल, एक ब्लॉक, एक रिपीटिंग यूनिट हो गई आपकी। अब क्या करना है, ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल को ज्वाइन करा के यदि हम एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार अगर हम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे भी रख सकते हैं हम कुछ इस तरह से, ये देखिए, हमने क्या किया, इस तरह से यूनिट सेल को एक दूसरे के ऊपर रख के एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। थ्री डी स्पेस में एक हमने ज्योमेट्री तैयार कर ली, इसका नाम होता है स्पेस लैटिस। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस लैटिस, या दूसरा नाम होता है इसका क्रिस्टल लैटिस। आई होप आपको स्पेस लैटिस समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक बार बात करते हैं डेफिनेशन पर यूनिट सेल की। देखिए, इसका एक छोटा सा ये ब्लॉक, यूनिट सेल क्या होती है कि इट इज द रिपीटिंग ब्लॉक यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेस लैटिस, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक रिपीटिंग यूनिट जो कि स्पेस लैटिस को बनाने के काम में आती है उसको बोला जाता है यूनिट सेल। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, इसमें दो वर्ड सिखाने वाले हैं आप लोगों को, एक वर्ड सिखाने वाले हैं प्रिमिटिव और एक वर्ड सिखाने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव। ध्यान दीजिएगा दोनों टॉपिक्स पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, आखिर यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं। पहली होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है। दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और
चौथी होती है एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये चार यूनिट सेल आप लोगों के पास मैंने लिखी हुई हैं और ये चारों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बारी बारी से बात करेंगे कि इसमें कितने पार्टिकल्स लाई करते हैं और कैसे लाई करते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव और ये बाकी जो होती है इनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। तो सबसे पहले हमें बात कर लेनी चाहिए प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर दोज यूनिट सेल्स इन विच पार्टिकल्स और स्फीयर्स लाइज एट ओनली कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। यानी कि अगर पार्टिकल केवल और केवल इस तरह से यूनिट सेल के कॉर्नर पर लाई करते हैं, इस तरह से यूनिट सेल के कॉर्नर पर लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, कि अगर पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर केवल और केवल कॉर्नर के अलावा कहीं और नहीं होगा तो दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। यदि पार्टिकल इन कॉर्नर के अलावा इस यूनिट सेल के स्पेस में कहीं भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, आइदर की सेंटर पर, एज पर, बॉडी में, किसी भी स्पेस में, किसी भी लैटिस किसी भी प्रॉपर प्लेस पर अगर लाई कर जाते हैं तो उसको बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव। यानी ये तीनों की तीनों यूनिट सेल जो है वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है आपकी। चलिए अब हम बात करने वाले वन बाय वन आपके साथ, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, जिसका दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसके लिए डेफिनेशन सिंपल है, डेफिनेशन क्या सिंपल, कि दोज यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स और स्फीयर्स लाइज एट ईच कॉर्नर्स इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ये डायग्राम आपका जो बना हुआ है ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बना हुआ है, ध्यान दीजिए। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं नंबर, यहां पर बात करने वाला हूं कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल स्फीयर्स एट कॉर्नर। देखिए एक कॉर्नर पर कितने पार्टिकल लाई करते हैं, तो देखिए एक कॉर्नर पर जो पार्टिकल लाई करता है वो 1/8 होता है। ये थोड़ा सा आप बोलेंगे सर 1/8 क्यों होता है, थोड़ा सा एज्यूम करिए पूरा स्पेस लैटिस है। ठीक है, एक लैटिस एक यूनिट सेल इसके बगल में आ जाएगी, ठीक है, और दो के ऊपर आ जाएगी। ठीक, तो कोई भी कॉर्नर मैंने सपोज मैं आपको समझाने के लिए कॉर्नर ये वाला ऑक्यूपाई कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से देखिए, एक यूनिट सेल ये हो गई, इसके बगल से लाइए दो और दो ही इसके ऊपर, कितनी हो गई चार। यहां पे जो पार्टिकल इस कॉर्नर में फंसा हुआ है तो वो चार के बीच में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो थोड़ा एक फेस व्यू में दिखा रहा हूं आप लोगों को, इस तरह से यहां पे अगर कोई पार्टिकल फंसा हुआ है ये चार यूनिट से लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये जो कॉर्नर है अभी फिलहाल चार के बीच में है, लेकिन अभी जो इसके अंदर स्फीयर फंसा हुआ है बॉल टाइप का एक पार्टिकल फंसा हुआ है वो फिलहाल चार के बीच है, लेकिन अभी कॉर्नर कवर नहीं हुआ है। चार यूनिट सेल के ऊपर से चार और रख दी जाए, जान देना चार के ऊपर से चार और रख दी जाए तो कितनी यूनिट सेल होती है आठ। यानी चार के ऊपर से चार और रख दी तो ये कॉर्नर पूरा कवर हो जाएगा। अगर यहां पर एक पार्टिकल को फंसाया जाए तो उसके कितने टुकड़े होंगे आठ। यानी ये पार्टिकल जो फंसाया जाएगा यहां पर, तो ये देखो चार, ये इस तरह से इसके कितने पार्ट होंगे 1/8 पार्ट, यानी कि 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल के पास कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा आउट ऑफ 8। तो यानी पर कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपके पास हो जाएंगे वो जाएंगे 1/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इज 8। किसी भी सेल में यूनिट सेल में आठ कॉर्नर होते हैं तो टोटल पार्टिकल हो जाएंगे 1। यानी यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल होते हैं जेड इज इक्वल टू 1। और ये जेड कहाँ आने वाला, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन होता है 1। और इसके अलावा पार्टिकल आप लोगों को याद रखने हैं, क्लोज पैकिंग में, पैकिंग एफिशिएंसी में आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब बात करते हैं बिना रुके दूसरे वाले टॉपिक की। दूसरा आपको बताया था बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
बॉडी सेंटर की वीक यूनिट सेल क्या होती है कि पार्टिकल तो कॉर्नर पर होते ही होते हैं इस तरह से। देखिए ये आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं और डेफिनेशन भी आपको सुनते जाइए। डेफिनेशन क्या कहती है कि दोज यूनिट सेल या द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स लाइज एट ईच कॉर्नर, इस तरह से पार्टिकल पर कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ये देखिए। और साथ में एक बड़ा सा पार्टिकल इसकी बॉडी के सेंटर में लाई करता है। अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो दिख रहा है ऐसा रियल में नहीं होता है, आप लोगों को 3D डायग्राम देखना पड़ेगा, बुक्स को उठा के समझ में आ जाएगा उम्मीद करता हूँ। देखिए ये जो पार्टिकल होते हैं कॉर्नर कुछ इस तरह से होते हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ पे स्पेस जितना ऐसे भी दिख रहा है खाली इतना नहीं होता है, बहुत कम स्पेस लाई करता है, सारे पार्टिकल एक दूसरे टच करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकल क्या हो गया, कॉर्नर पे हो गए और साथ में बॉडी सेंटर पे हो गया, ऐसी यूनिट सेल को बोला जाता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पार्टिकल यहां देखेंगे हम कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर, कॉर्नर की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 1/8 × 8 = 1 और कंट्रीब्यूशन ड्यू टू बॉडी सेंटर वो कितना होगा 1 यहां और 1 यहां, देखिए यहां भी 1 है पूरा, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे वो जाएंगे 1 + 1 मतलब 2, यानी z की वैल्यू यहां पे आती है 2, ठीक है। ये हो गई आपकी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले आगे, ठीक है। तो तीसरी यूनिट सेल हमारे पास आती है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान दीजिएगा फेस सेंटर पे बात करेंगे हम लोग, तो नाम दिख रहा होगा आप लोगों को फेस, यानी कि पार्टिकल आपके कॉर्नर के अलावा फेस पर भी लाई जाएंगे, ठीक है। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक टाइप है कि द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स लाइज एट ईच कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस सेंटर। देखिए हम बात करने वाले थर्ड पे FCC जिसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ये यूनिट सेल का आपको डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए ये हो गया पार्टिकल्स लाइज एट ईच कॉर्नर, इस तरह से पार्टिकल कॉर्नर पर लाई करेगा साथ में हर एक फेस पर भी लाई करेगा, एक दो टॉप बॉटम हो गया, लेफ्ट राइट बैक और फ्रंट, हम इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट दिस इज नॉट एक्चुअल व्यू। इसका अगर मैं एक्चुअल व्यू अगर आपको बताऊं तो एक्चुअल व्यू आपको कुछ इसका इस तरह से दिखने वाला है साइड का, मैं आपको साइड का व्यू तो दिखा सकता हूं बट टू डायमेंशन में इस समय मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं दिखा सकता, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं ये जो फेस पे पार्टिकल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये साइड व्यू दिखेगा आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। एक साइड से अगर आप देखेंगे तो ये फेस सेंटर पर कुछ इस तरह का व्यू आप लोगों को दिखने वाला है, ठीक है। चलिए तो बात करने वाले हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर्स, आप लोगों को पता है कॉर्नर्स की वजह से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, यहां पर 1/8 × 8 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर पे होगा 1, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू फेसेस की वजह से कितना होगा 1/2 × 6 फेसेस होते हैं 6, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर जो हो जाएंगे वो यहां पर हो जाएंगे 1+3 यानी कि 4, यानी z की वैल्यू यहां पे आती है 4, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा सर ये फेस 1/2 कैसे हो गया, बिल्कुल सही। देखिए अब ये यूनिट सेल है आपकी, ठीक है, इस यूनिट सेल के बगल में एक और यूनिट सेल रख दीजिए, तो ये जो पूरा फेस है वो कितने यूनिट सेल के बीच कॉमन हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 के होगा,
अब यहाँ दो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर एक पार्टिकल फंसा हुआ स्पेस पर तो हाफ पार्टिकल कंट्रीब्यूट इधर होगा, हाफ इधर वाली होगा। भाई एक बॉल सपोज है, एक बॉल फंसा दी हमने एक दीवार में, आधी दीवार की इधर होगी आधी दीवार की इधर होगी, तो एक फेस के पास कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। इस तरह से यहाँ पे फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाइए, क्योंकि 2D पे है, 2D में आप लोगों को 3D की फिगर नहीं दिखा सकता। चलिए उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें चार पार्टिकल होते हैं, देन एज सेंटर की बात करने वाला हूं, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए देखिए, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपकी यूनिट सेल एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स लाई करते हैं, कॉर्नर पे तो लाई करेंगे ही करेंगे, देना मत देना, पार्टिकल्स लाइज एट ईच कॉर्नर एज वेल एज, देखिए ये यूनिट सेल है, पार्टिकल्स लाइज एट ईच कॉर्नर, ये सब कॉर्नर पे भी लाई करेगा इस तरह से, ठीक है, और साथ में इसकी एजेस पे भी लाई करेगा। देखिए ये एज 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये वाली 12, यानी कि किसी भी यूनिट सेल में जो एजेस होती हैं वो टोटल होती है नंबर ऑफ 12, टोटल एजेस होती है 12, हर एक एजेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, साथ में कॉर्नर पर कंपल्सरी है, इसलिए इसको बोला जाता है एज सेंटर। अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 हो जाएगा 1, या देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू किसकी वजह से, एजेस, एजेस की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, अभी समझाऊंगा 1/4, टोटल एजेस होती हैं 12, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ यहां पर पार्टिकल जो हो जाएंगे आपके पास हो जाएंगे 4, यानी z की वैल्यू यहां भी 4 होती है। देखिए तो देखिए यहां पर आपको ये बस प्रॉब्लम दे रहा हूं 1/4 कैसे आया, देखिए यहां अज्यूम करिए ये जो एज है कितने यूनिट सेल के बीच में कॉमन है, या ये वाली एज है कितने यूनिट सेल के बीच में कॉमन है, ठीक है। अब कोई भी एक एज अगर आप पकड़ते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने के बीच कॉमन है, तो मैं उसको समझाने के लिए एक बार स्पेस लैटिस का डायग्राम दोबारा से बनाता हूं ताकि आप लोगों को ये एज वाला फैक्टर समझ में आ जाए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ओके देखिए मैं आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, स्पेस प्रॉब्लम है। देखिए ये है आपका एक यूनिट सेल, ठीक है, इसके पड़ोस में हमने दूसरा बनाया इस तरह से, और इसके नीचे भी हमने एक और बना दिया इस तरह से, ये देखिए याद रखना ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यहां पे आपकी गलत हो जाएगी, यूनिट सेल इधर लगेगा, ठीक है। अब देखिए एज की बात करता हूं, तो ये सब एजेस हैं, ये हमारी इस एज की बात करो, दिस एज इज कॉमन बिटवीन द 4 यूनिट सेल 1, 2, 3 और 4, ये चारों यूनिट सेल के बीच में कॉमन एज है। अब यहां पे अगर कोई पार्टिकल रखा जा रहा है तो इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, प्रैक्टिकली सोचिए समझ में आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास टोटल पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4, इस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आ जाते हैं 4, तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि प्रिमिटिव, यानी कि जिसके कॉर्नर पर पार्टिकल होते हैं वहां पे होता है एक पार्टिकल, एफसीसी में होते हैं आपके टोटल 4 पार्टिकल, बीसीसी में होते हैं टोटल 2 पार्टिकल, और एज सेंटर में होते हैं आपके पास 4 पार्टिकल। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। तो बने रहने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, अच्छी ना लगे डिसलाइक करिए, और साथ में नए लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।